हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभम स्टडी टेक्नोलॉजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड बायो का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, जीवन की प्रक्रियाएं यानी कि लाइफ प्रोसेस। हमारे जीवन में जितने भी प्रोसेस यानी जितने भी प्रतिक्रियाएँ होती हैं, आज हम उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर का पहला टॉपिक है सजीव लिविंग बीन एंड निर्जीव नॉन लिविंग बीन, यानी कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। ये तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, ये बहुत सिंपल है। चलिए फिर भी हम आपको बता देते हैं। जब हम स्वयं को सजीव कहते हैं या मानते हैं, तो यह देखते हैं कि हम भोजन करते हैं, खाते हैं, लेकिन एक टेडी बियर कुछ भी नहीं खाता। हमें चोट लग जाती है तो हमें दुख होता है, हम चिल्लाते रहते हैं, किंतु टेडी बियर को तोड़ने फोड़ने पर भी वह नहीं चिल्लाता। हम महसूस करते हैं कि हम सांस ले रहे हैं और छाती पर हाथ रखकर देखते हैं तो हमारी छाती ऊपर नीचे होती है। टेडी बियर की छाती पर हाथ रखकर देखते हैं तो उसकी छाती ऊपर नीचे नहीं होती है। हम पहले छोटे थे और खाते पीते बड़े हो गए, किंतु टेडी बियर खा पी कर बड़ा भी नहीं हुआ। बस दोस्तों, इतना इतना इसका डिफिनेशन बहुत काफ़ी है, आप इतना पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सिंपल है। सजीव और निर्जीव तो आप जीवन से जानते ही होंगे। चलिए अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, जीवन प्रक्रिया या जीवन की प्रक्रिया है, लाइफ प्रोसेस। जीवधारियों में चाहे वह एक कोष की अमीबा हो या मनुष्य अथवा विशालकाय वृक्ष, कुछ विशेष प्रतिक्रियाएं पाई जाती है जिनके आधार पर इन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग पहचाना जा सकता है। जैसे कि जीवधारी। पहला टॉपिक दोस्तों, भोजन करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। भोजन भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने वाले ऑक्सीजन सांस लेकर प्राप्त होता है, श्वसन कहते हैं। भोजन एवं ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने को वाहन कहते हैं। दोस्तों, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने को उत्सर्जन कहते हैं। अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करने को जनन कहते हैं। दोस्तों, चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है, आप देख लीजिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा गौर से पढ़िएगा दोस्तों। उपचयी अभिक्रिया। चलिए दोस्तों, इसका हम डिफिनेशन आपको बता देते हैं। इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, जैसे पाचन और श्वसन क्रिया। उपचयी अभिक्रिया, इनमें सरल कार्बन अणु से जटिल अणुओं में संश्लेषित होता है, जैसे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और जीवों में वसा, प्रोटीन, न्यूक्लियस अम्ल और संश्लेषण। दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला टॉपिक पढ़ते हैं, पोषण। पोषण क्या है? जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को ही पोषण कहते हैं। दोस्तों, पोषण की आवश्यकता, हमारे शरीर में पोषण की क्या क्या आवश्यकता है, आज हम उसे टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हैं। पहला है ऊर्जा स्रोत, यानी कि हमें ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, इसमें बताया गया है। दोस्तों, समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। दोस्तों, शारीरिक वृद्धि यानी हमारे शरीर की वृद्धि, भोजन से नए जीवद्रव्य बनते हैं जिससे कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं और विभाजन से जीवों के आकार में वृद्धि होती है, यानी कोशिकाएं बढ़ेंगी तो दोस्तों हमारा शरीर की वृद्धि तो होगी, ये सिंपल सा बात है। तीसरा टॉपिक, शरीर में टूट फूट की मरम्मत, यानी हमें कहीं चोट लग जाती है, कहीं फट जाता है, तो उसकी भी मरम्मत पोषण से ही होती है। दोस्तों, नए जीवद्रव को कोशिका और उत्तकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है दोस्तों पोषण से। रोगों की प्रतिरक्षा, यानी कि पोषण हमें रोगों से बचाता है, रोगों से प्रतिरक्षा। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या डिफिनेशन है। क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है और अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है। इन कार्बन सूत्रों को जटिलता के अनुसार विविधता जीवन में विभिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं।
चलिए दोस्तों, आप पोषण के बारे में आशा करते हैं जान चुके होंगे। चलिए अब अगले टॉपिक के पर बढ़ते हैं। भोजन के मुख्य घटक अथवा पोषण तत्व, मैनी कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण तथा जल भोजन के मुख्य घटक है। जब हमारे भोजन में ये सभी तत्व प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में होते हैं तो हमारा स्वास्थ्य स्वास्थ्य सही रहता है। हम इस प्रकार के भोजन को संतुलित भोजन भी कह सकते हैं दोस्तों। इस टॉपिक के अंदर देख लीजिए दोस्तों, ऊर्जा प्रदान करने वाली पोषक तत्व, यानी हमें ऊर्जा कौन कौन से पोषक तत्वों से प्राप्त होती है, इसमें ये बताया गया है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट, मंड व शर्करा तथा वसाएं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, मंड व शर्करा तथा वसाएं से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों। निर्माणकारी पोषक तत्व, प्रोटीन हो गया। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, मतलब हमें हमारे शरीर हमारे हमारी रक्षा करने वाले कौन से तत्व हैं। विटामिन तथा खनिज लवण, यानी कि दोस्तों हमारे रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए विटामिन और खनिज लवण होते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक कार्बोहाइड्रेट, ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, सरल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, फैक्टोज, सुक्रोज, शर्करा व लैक्टोज इत्यादि, सरल रूप में कह सकते हैं गन्ना, चुकंदर, खजूर इत्यादि में पाए जाते हैं। जटिल कार्बनिक दोस्तों देख लीजिए, बता देते हैं आपको। जटिल कार्बनिक मंड के रूप में आलू, चावल, अरबी, मक्का और साबूदाना इत्यादि में पाया जाता है। अब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की क्या उपयोगिता है ये पढ़ते हैं दोस्तों, देख लीजिए। पहला, कार्बोहाइड्रेट जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, यानी हम जब भी कोई भी कार्य करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है दोस्तों। दूसरा, ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं, यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का स्रोत्र है दोस्तों, यानी कि ये हमें ऊर्जा तुरंत प्रोवाइड करता है दोस्तों। तीसरा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजनक के रूप में यकृत कोशिकाओं में संचित किया जाता है दोस्तों। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। अगला टॉपिक है दोस्तों फैट, यानी कि वसाएं। वसाओं का निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ही होता है, किंतु इनमें ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। ये हमें किस किस चीज़ से प्राप्त होती है देख लेते हैं। ये हमें पशु से, यह हमें मक्खन के रूप में, पनीर के रूप में, दूध तथा घी के रूप में मिलता है दोस्तों। और देखिए, जो वनस्पति सूत्र में नारियल, बादाम, मूंगफली, सरसों, तिलहन इत्यादि। चलिए दोस्तों, वसा की उपयोगिता हम लोग टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ लेते हैं। शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संग्रहित होता है, यानी कि शरीर में भोज्य पदार्थ वसा के रूप में ही संग्रहित होता है अत्यधिक। दूसरा, वसा ऊर्जा प्रदान करने का स्रोत है, यानी हमें इससे भी ऊर्जा प्रदान होती है दोस्तों, मिलती है मतलब। तीसरा, ये ताप नियंत्रक और कोशिका कला को निर्माण में सहयोग करता है, यानी कि हमें ताप नियंत्रक यानी हमारे शरीर का ताप नियंत्रक करता है और कोशिका कला को निर्माण करने में सहयोग देता है दोस्तों। चौथा, वसा शरीर की आकृति भी प्रदान करती है, यानी वसा से हमारी शरीर की आकृति बढ़ती है या कोई आकृति प्रदान होती है दोस्तों। चलिए अगला टॉपिक प्रोटीन, यानी हमें प्रोटीन किस चीज़ से मिलकर बनता है और प्रोटीन किस किस चीज़ में पाया जाता है और इसकी उपयोगिता आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। चलिए बिना देरी किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं। प्रोटीन का एक अणु कई अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है दोस्तों। जंतुओं में प्रोटीन का स्रोत मांस, मछली, दूध, अंडा और पनीर इत्यादि है। वनस्पति में देख लीजिए दोस्तों, दाल, गेहूँ, मूंगफली, बादाम इत्यादि उपलब्ध है। इन सभी चीज़ों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है दोस्तों। प्रोटीन की उपयोगिता यानी प्रोटीन का क्या उपयोगिता है हमारे शरीर में पढ़ते हैं। प्रोटीन जीव द्रव का निर्माण करने वाले प्रमुख पदार्थ है। दूसरा, ये सभी प्रकार के एंजाइमों का निर्माण करता है दोस्तों। तीसरा,
ये शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत करता है, यानी चोट लग जाए कहीं पे फट जाए उसकी मरम्मत करता है। प्रोटीन दोस्तों आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा भी प्रदान करता है। और पांचवा, प्रोटीन से बनी एंटीबॉडी हमें रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है दोस्तों। अब प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, यानी इसका डिफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण दोस्तों, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण बच्चों के खुराक में पोषण विशेषकर प्रोटीन की कमी का चिकित्सकीय स्पेक्ट्रम दर्शाता है। यह नवजात शिशुओं में अधिक पाए ये स्थिति बच्चों में अधिक पाया जाता है दोस्तों, जिसके कारण बच्चों में दो बीमारियां होती है प्रोटीन की कमी से, एक कवस्कर ये जैसे कि और एक मेरास्मस ये जैसे कि, जैसे महत्वपूर्ण बीमारियां हैं दोस्तों। पहला, अब हम पढ़ने वाले हैं कवस्कर के बारे में, कि कवस्कर किस प्रोटीन की कमी के कारण होता है, किस उम्र में होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं दोस्तों। कवस्कर रोग मुख्य प्रोटीन की कमी से ही होता है दोस्तों, यानी कि प्रोटीन से कमी से कवस्कर रोग होता है दोस्तों। यह स्थिति 12 माह के आयु में आती है, जब माँ के दूध की अनियमितता हो जाती है। जिन बच्चों का कवस्कर हो जाता है उनकी बाजू व टांगें अत्यधिक पतली हो जाती हैं, और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कम हो जाती है, यानी रोगों से बचाने की प्रतिरक्षा प्रणाली कम हो जाती है, और मानसिक मंदता उत्पन्न हो जाती है, यानी उसको माइंड यानी दिमाग थोड़ा कम काम करता है दोस्तों। अब दूसरी बीमारी मेरास्मस। मेरास्मस रोग मुख्यतः ऊर्जा की कमी से होता है, यानी कि ऊर्जा की कमी से होता है दोस्तों। ये मेरास्मस रोग में बच्चा बहुत कमजोर दिखाई देता है, बच्चे का विकास रुक जाता है, तथा ऊतकों व मांसपेशियों का ह्रास होने लगता है, यानी ऊतक और मांसपेशियां ग्रोथ नहीं करती हैं दोस्तों। मेरास्मस सामान्यतः 6 माह से 1 वर्ष के बच्चे उन बच्चों में आते हैं जो माँ के दूध से वंचित रहते हैं दोस्तों, यानी उन्हें कभी अभी तक 6 माह के 1 साल के बीच में इन्हें माँ का दूध ना मिला हो दोस्तों। मेरास्मस रोग से पीड़ित बच्चे अपनी आयु से छोटे दिखते हैं। इसके मुख्य लक्षण कमजोर प्राणी, भूख ना लगना, डायरिया, मानसिक मंद नाड़ी व सांस गति अत्यधिक होता है दोस्तों। चलिए अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है विटामिन। आइए हम विटामिन के डिफिनेशन आपको बता देते हैं दोस्तों, और ये किस किस चीज़ से मिलकर बनता है ये भी बता देते हैं आपको। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि प्रोटीन एक जटिल की कमी से आप इन्हें वृद्धि कारक भी कहते हैं दोस्तों। विटामिन मुख्यतः दो प्रकार की होती है, यानी विटामिन दो प्रकार की होती है दोस्तों। विटामिन दो प्रकार की होती है, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। चलिए बता देते हैं आपको, जल में घुलनशील जैसे विटामिन B, C, वसा में घुलनशील जैसे विटामिन A, D का नाम है। हम आपको ये बताते हैं, तो बाद अगर आपको ना समझ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, देरी की वीडियो को दोस्तों। ये पीरियोडिक टेबल आप देख ही रहे होंगे, इसमें ये बताया गया है किस बीमारी सॉरी सॉरी इसमें ये बताया गया दोस्तों कि कौन सी विटामिन किस सूत्र मतलब किस चीज़ से प्राप्त होती है, उस विटामिन का क्या कार्य है, और अगर वो विटामिन कम हो जाए मतलब उस विटामिन की कमी हो जाए तो उससे होने वाली बीमारी, ये भी बताया गया दोस्तों इसमें। देखिए, विटामिन सूत्र कार्य तथा इनकी कमियों से होने वाली विधियाँ दोस्तों, आप इसे पढ़ लीजिएगा, एक पीरियोडिक टेबल में बना के आपको दर्शाया गया है, देख लीजिए, बहुत सरल है दोस्तों। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इसके बारे में हम इसके इसका हम दूसरा वीडियो बना देंगे, आपको बना के अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक है दोस्तों पीरियोडिक टेबल आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये हर एक साल बोर्ड के पेपर में पूछा ही जाता है दोस्तों, इसे थोड़ा आप ध्यान से पढ़िएगा, जिसका नाम है पोषण के प्रकार।
पोषण के प्रकार जी पोषण के प्रकार जीवों में पोषण मुख्यतः दो प्रकार के पाई जाती है दोस्तों, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण या स्वपोषी पोषण, चलिए दोस्तों पहला टॉपिक स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण जीव जीव अकार्बनिक यौगिक सीटी व पानी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ जीवाणु तथा सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से CO2 तथा जल में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। इन क्रियाओं में ये सूर्य की गतिज ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज अणुओं के अंदर स्थानांतरित करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं दोस्तों। यहाँ तक इसका डिफिनेशन है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा ध्यान से। चलिए आपको फार्मूलों को भी समझा देते हैं। आपको फार्मूला आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, 6 CO2 + 6 H2O, यानी कि इन सभी का जब रिएक्शन होता है तो हमें प्रोडक्ट में क्या प्राप्त होता है दोस्तों, देख लीजिए। सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल यानी कि 6 CH H12O6 ग्लूकोज ये हमें प्राप्त होता है, और 6 CO2 ये भाप बन के उड़ा जाता है दोस्तों। चलिए अब अगला टॉपिक विषम पोषी पोषण दोस्तों। देख लीजिए विषम पोषी पोषण, जंतु पौधों के समान सूर्य की ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते, यानी कि हम जीव जंतु मनुष्य पौधों की तरह सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते दोस्तों। अतः ऊर्जा के लिए वे किसी न किसी रूप से पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन पर निर्भर रहते हैं, यानी हम किसी पौधों पर निर्भर रहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्राप्त बनाता है दोस्तों। इस प्रकार के जीव विषम पोषी कहलाते हैं। सभी जंतु व फफूंद विषम पोषी होते हैं। विषम पोषी या परपोषी जंतु निम्नलिखित प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा उपमार्जक, चौथा परजीवी। शाकाहारी पहले पढ़ लेते हैं दोस्तों। जंतु पौधों के फल फूल पत्तियों इत्यादि खाते हैं, यानी कि फल खाते हैं, फूल पौधे इत्यादि यही सब खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। अब मांसाहारी पे आ जाते हैं दोस्तों। जंतु अपने से छोटे प्राणियों का शिकार करते हैं, जैसे कि शेर अपने से छोटे जानवरों का शिकार करके खाता है दोस्तों, उसे वैसे ही इसे हम मांसाहारी कहते हैं। तीसरा अपमार्जक अथवा मृतोपरजीवी जंतु तथा फफूद सड़े गले पौधे इत्यादि मृत जंतुओं से भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि जो मर जाते हैं उन पे सड़ते हैं तो उस पे कई बैक्टीरिया फंगस इत्यादि आते हैं, तो वो अपना उससे भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसे हम मृतोपरजीवी कहते हैं दोस्तों। अब चौथा है परजीवी जंतु फफूद व कुछ जीवाणु दूसरे जीवित जीवों के शरीर में रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिससे पोषक की हानि होती है। ये जीव परजीवी कहलाते हैं, यानी कि ये ऐसे जीव हैं कि दूसरे के शरीर में रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं दोस्तों, उन्हें हम परजीवी कहते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक आ जाते हैं, संतुलित आहार यानी बैलेंस डिश। संतुलित आहार अभी हम इसको पीछे बताए हैं दोस्तों कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। जिस लोग को वो डिफिनेशन समझ में आया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे दोस्तों, धन्यवाद। अब इस अगले टॉपिक को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए अभी के लिए